हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द टुमारो वार। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं और इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी आसमान से गिरता हुआ दिखाया जाता है। वो डायरेक्ट स्विमिंग पूल में गिरता है। उस आदमी का नाम डैन रहता है और वो पास्ट से आया हुआ रहता है फ्यूचर में, और 28 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी जिसका नाम डैन रहता है वो अपने घर में जा रहा होता है। वहाँ क्रिसमस की पार्टी चल रही होती है। उसके बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जो उसकी वाइफ रहती है, उसका नाम एमी रहता है। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता जो डैन और एमी की बेटी रहती है। डैन जल्दबाजी में रहता है, उसे कहीं पढ़ाने जाना होता है, उसे किसी प्राइवेट स्कूल में जहाँ उसे नया जॉब मिला हुआ होता है। पर जब वो घर से निकलता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने किसी और को रख लिया है। उसके बाद वो कॉल काटकर फिर डैन अपने घर में जाता है और अपनी बेटी के साथ बैठ कर कुछ बातें करता है। उसके बाद वो सब टीवी देख रहे होते हैं एक फुटबॉल में। तभी लाइव टीवी पर कुछ लाइट जैसा चमकता है और एक पोर्टल खुलता है जिसमें से कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम भविष्य से आए हैं और हमें आपकी मदद की जरूरत है भविष्य में एलियन से लड़ने के लिए। और ये जो लेडी ये सब बोल रही होती है उसका नाम हार्ट रहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट इस बात को सीरियस लेते हुए पूरी दुनिया की फौजें लड़ने के लिए तैयार हो रही होती है और हर हफ्ते 1,000 कर फौज जी जा रही होती है भविष्य में एलियन से लड़ने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है डैन सो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनने के लिए मिलती है, वो उसकी बेटी की आवाज रहती है। तो वो वहाँ उठकर जाता है तो पता चलता है कि उसकी बेटी एक ऐसा सपना देख रही है जहाँ उस सपने में वो अपनी बेटी को छोड़ के जंग की ओर जा रहा होता है। तभी वो अपनी बेटी को समझाता है और उसे सुला कर फिर सुला देता है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो स्कूल में पढ़ा रहा होता है। तभी अचानक से डैन के फोन पे एक अलर्ट मैसेज आता है जहाँ उस मैसेज में लिखा हुआ होता है उसे एक जगह जाना होता है अपने सर्टिफिकेट के साथ तुरंत ही। वो अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेके वहाँ जाता है। उसके बाद वहाँ उसकी चेकअप होती है। उसके बाद उसे एक चेयर पे बैठा दिया जाता है जिसके बाद उसके हाथ में एक तरह का डिवाइस लगाया जाता है जिससे कि वो भविष्य में आ और जा सके, जिससे कि आर्मी उसे ट्रैक कर सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डैन की वाइफ को दिखाया जाता है जहाँ वो काउंसलिंग कर रही होती है जंग स्लॉट लोगों की, जहां वो अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं। उसके बाद डैन वहां पे आता है तो उसकी वाइफ वो डिवाइस उसके हाथ में देखकर समझ जाती है कि वो भी जंग में जा रहा होता है। वो नहीं मानती, वो उसे कहती है जाकर अपने डैड से हेल्प लो और इसे कैसे भी करके उतरवाओ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तब जाकर डैन अपने डैड के पास जाता है पर अपने पास्ट को लेकर डैन अपने फादर से लड़ पड़ता है। इस कारण से फिर डैन वो डिवाइस नहीं निकलवाता और जाने का मन बनाता है जंग में। उसके बाद जब वो पहुंचता है तो वो डिवाइस डैन की वाइफ उसके हाथ में देखकर समझ जाती है कि वो जंग में जा रहा है। तब डैन उसे मना लेता है पर फिर उसकी वाइफ कहती है जाकर अपनी बेटी से एक बार बात कर लो। तब वो जाता है और अपनी बेटी को भी मनाता है। उसके बाद डैन अपनी बेटी को मनाने के बाद जाता है ट्रेनिंग सेंटर पे जहाँ उसे ट्रेन किया जा रहा होता और सारे डिटेल दिया जा रहा होता है एलियन के बारे में और जंपलिंग के बारे में, कैसे और कब और टीम के बारे में बताया जा रहा होता है। जहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से भी होती है चार्ली नाम के, जो उसका वहाँ पे दोस्त भी बनता है, जहाँ वो उसे गन पकड़ना भी बताता है। और फिर युद्ध से पहले 1 वीक का ट्रेनिंग सेशन चलता है जिसमें कि वो पहली रात आराम कर रहे होते हैं और फिर अचानक से अलार्म बज उठता है तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें जल्द से जल्द लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। और उसके बाद वो गन लेकर तैयार होते हैं जंपलिंग करने के लिए और ये भी कह रहे होते हैं कि हम तो अभी तैयार भी नहीं है। तो उन्हें कहा जाता है कि फ्यूचर में धरती पर आखिरी रिसर्च लैब बचा है, उस पे भी एलियन ने अटैक कर दिया है। अगर वो रिसर्च लैब खत्म हो गया तो भविष्य में जंग ही खत्म हो जाएगा। इस कारण से उन लोगों को पहले ही भेजा जा रहा होता है। उसके बाद वो जंप लिंक करवाया जाता है उन लोगों का और हमें दिखाया जाता है कि मशीन स्टार्ट होने के बाद वो लोग हवा में उड़कर अचानक से गायब होते हैं और भविष्य में आसमान में जाकर गिरते हैं और वहां से डायरेक्ट वो लैंड कर रहे होते हैं
मगर कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो डायरेक्ट जमीन पे गिर रहे होते हैं, जिस कारण से आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके होते हैं। डैन और चार्ली और कुछ लोग एक बड़े से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल पे गिरते हैं, जिसके कारण से डैन और कुछ लोग बच जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक रेडियो पे मैसेज आता है, तब उन्हें पता चलता है वहाँ का जो कमांड रहता है रोमियो कमांड, वो उन्हें कॉन्टेक्ट कर रहा होता है रेडियो पे और उन्हें एक टास्क देता है वहाँ का रिसर्च लैब में जाकर रिसर्चर को बचाते हुए उन्हें रेस्क्यू करके वहाँ के डाटा के साथ उन्हें वापस लाना होता है। ये सारा काम डैन को दिया जाता है। डैन अपना टीम बनाकर जिसमें कि चार्ली और दूसरे जो बचे हुए कुछ लोग होते हैं उन लोगों के साथ आगे बढ़ता है। उसके बाद डैन अपने ग्रुप में से दो लोगों को आगे जाने के लिए कहता है, एक का नाम नोरा और एक का नाम रॉबर्ट रहता है। वो दोनों को कहता है आगे क्या होता है मुझे देखकर बताओ, वो बताते हैं। उसके बाद डैन अपने टीम के साथ आगे बढ़ता है और अंदर रिसर्च लैब में जाने के बाद डैन को पता चलता है कि जितने भी रिसर्चर्स रहते हैं सबको एलियन ने मार के लटकाया हुआ होता है। तब उनमें से एक आदमी कहता है डैन को कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि अगर वो खाना छोड़ के गए हैं तो वो खाना लेने भी आएंगे। तब डैन कमांड से बात कर कर ये बात बताता है। उसके बाद उन्हें कुछ दवाइयां और कुछ डाटा वहां से सिर्फ लाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद डैन लैब में जाता है, वहां से सारा डाटा और वो सैंपल कलेक्ट कर कर वहां से निकलता है। और इस दौरान डैन की बात रोमियो कमांड से हो रही होती है। रोमियो कमांड उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं एलियन के बारे में और कहां कैसे निकलना है इसके बारे में। जब वो लैब से सैंपल लेकर सब और डाटा लेकर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में पता चलता है कि जब वो सीढ़ियों से जा रहे होते हैं तब उन्हें सीढ़ियों पे एलियन दिखता है। तब वो गोलीबारी करते हुए वहां से नीचे की ओर उतरते हैं। इस बीच एलियन कितनों को मार चुका होता है, फिर भी वो गोलीबारी करते हुए कुछ लोग ही उतरते हैं। और फिर उसके बाद डैन गोली चलाते हुए जब नीचे उतरता है तो उसके गोलियां खत्म हो जाती हैं। तब उसके बगल में एक्स दिखता है, वो एक्स वो निकाल कर एलियन पे मारता है, पर वो एक्स एलियन के मुंह में फंस जाता है। तब उसका एक साथी पीछे से आता है और गन उसके नेक पे मारता है और उसे बोलता है कि ये ऐसे नहीं मरेंगे, इन वीक पॉइंट नेक और चेस्ट है। उसके बाद उस एलियन को मारने के बाद वो लोग वहां से निकल कर भागते हैं। उसी बीच रोमियो कमांड का मैसेज आता है कि जल्दी से वहां से निकलो, तुम्हें सर्च पार्टी लेने के लिए आ रही होती है क्योंकि वहां पे बॉम्ब थोड़ी देर में गिरने वाला है। उसके बाद वो लोग भागते हैं सर्च पार्टी की ओर और जैसे उन्हें सर्च पार्टी सामने में दिख रही होती है वैसे ही वो देखते हैं कि कुछ एलियन उस सर्च पार्टी पे भी अटैक कर उनको मार देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। जब वो दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं तभी उनके कुछ साथी वहां गिर जाते हैं। तब वो जब उन्हें बचाने जाता है तो पीछे से एलियन आकर अटैक करने लगते हैं। तब जो उनके साथी रहते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ, हम इन्हें संभाल लेंगे। उसके बाद डैन अपने कुछ साथियों के साथ वहां से भागता है। वैसे ही वो फाइटर जेट बॉम्ब गिराते हैं, उसी बॉम्ब धमाके में डैन को उड़ते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डैन को होश आते हुए दिखाया जाता है एक कैंप में। वो कैंप रोमियो कमांड का रहता है, जहां उसे ये भी पता चलता है कि उनमें से मात्र वो तीन लोग बचे होते हैं, चार्ली उसका एक साथी और डैन, और बाकी सब वहाँ ताबूत में रहते हैं। और उसके बाद एक आदमी आता है और चार्ली और उस आदमी को आगे जंग में भेज देता है और डैन को कहता है तुम्हें कमांडर बुला रहे हैं। उसके बाद जब वो जाता है तो वहाँ एक लेडी रहती है, असल में वो डैन की बेटी रहती है। डैन को पता चलने के बाद डैन पूछता है कि मैं भविष्य में मरा कैसे, और तब उसकी बेटी बताना नहीं चाहती। और जब पूछता है उसकी माँ के बारे में तब उसकी बेटी बताती है कि हम इस बारे में बात नहीं करें तो वही अच्छा है। उसके बाद डैन नहीं पूछता है और आगे उस कमांडर के साथ बढ़ता है। तब उसे एक मिशन पे वो ले जाती है। उस मिशन में रहता है कि रोमियो कमांड ने एलियन के नेस्ट पे जब पॉइजन बॉम्ब गिराया था तो मेल एलियन मर रहे थे, पर फीमेल एलियन को कुछ हुआ नहीं। इसी का पता लगाने के लिए वो लोग एक जाल बिछाते हैं कि लेडी एलियन को पकड़ने के लिए, और वो लोग पकड़ भी लेते हैं, पर वो इतनी ताकतवर रहती है कुछ लोगों से संभल नहीं रहती। उसके सपोर्ट के लिए रोमियो कमांडर जाती है डैन के साथ। उसके बाद शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लेडी एलियन के नेस्ट का, जहां कुछ लोग उसे पकड़े हुए रहते हैं, तो वो फिर भी वो स्ट्रगल कर सबको मार रही होती है, पिंजरे में जाने से बच रही होती है। वैसे ही रोमियो कमांडर पहुंचती है और तड़ती है नेस्ट पे तो देखती है, उसके बाद उसे कुछ गोलियां मारती है और डैन को हेलीकॉप्टर में ही रहने के लिए कहती है। जब डैन हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ रहता है वैसे ही देखता है कि चारों तरफ से कुछ मेल एलियंस बहुत सारे आ रहे होते हैं अपनी लेडी एलियन को बचाने के लिए। तब
डैन हेलीकॉप्टर से उस नेस्ट में जंप करता है और उस एलियन को पकड़ने में मदद करता है। और जब पिंजरा में कैद हो जाने के बाद वो एलियन, तो वो जो हेलीकॉप्टर उस पिंजरा से हुक किया हुआ, वो उस पिंजरा को लेकर उड़ जाता है। और जब वो नेस्ट से बाहर आते तो देखते हैं चारों तरफ एलियन ही एलियन रहते हैं और वो भागना स्टार्ट करते हैं। और भागते भागते वो एक आर्मर गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहे होते हैं और सारे एलियन उस गाड़ी के पीछे लगे हुए होते हैं, पर वो उस एलियन को टक्कर मारकर जैसे तैसे भाग रहे होते हैं। और उसी बीच रोमियो कमांडर उस गाड़ी में से निकलती है और सब पे गोलियां बरसाने लगती है और जैसे तैसे करके वो पीछा छुड़ाते हैं और एक बीच पे रुकते हैं और बाहर निकलते हैं। और फिर उन दोनों अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। तब जो रोमियो कमांडर डैन की बेटी रहती है वो बताती, आपने मॉम को छोड़ दिया था और मैंने जब आपको लास्ट बार देखा था तो आपको शॉक लग रहा था हॉस्पिटल में। डैन चुप हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर से वो किसी समुद्र के बीचों बीच अपने बेस पे लौट रहे होते हैं। वहाँ जंपलिंग का मेन टावर भी दिखाया जाता है और वहीं लेडी एलियन को पकड़ कर उस पर रिसर्च करने की तैयारी कर रही होती है। उसके बाद जब डैन आता है तो देखता है कि उसकी बेटी जो कि रोमियो कमांडर रहती है वो रिसर्च कर रही होती है लेडी एलियन पे कि कैसे उसे कौन सा जहर दे कि वो मर सके और वो जंग जीत सके। उसके बाद कितने हजार और लाखों टेस्ट करने के बाद उसे एक पॉइजन मिलता है, पर जब तक लेडी एलियन को भी होश आ जाता है और दूसरी तरफ डैन के डिवाइस में भी एक दिन ही बचता है, उसके बाद वो खुद ब खुद जंपलिंग से कनेक्ट होकर पास्ट में फिर से चला जाएगा। उसके बाद डैन की बेटी को जो कि रोमियो कमांडर रहती है उसे कामयाबी मिल जाती है, वो जहर मिल जाता है, पर वैसे ही मेल एलियन सब लेडी एलियन को बचाने के लिए वहां पर अचानक से आ पड़ते हैं, बहुत सारे तादाद में आते हैं। तभी वो डैन की बेटी रहती है वो डैन को कहती है आप मेरे साथ चले, मैं आपको सुरक्षित जगह पहुंचाऊंगी, ये जहर आप पास्ट में लेकर जाना और बहुत सारे डोजेस बनाकर तैयार रखना, और जब भविष्य में जब एलियन आएंगे तो ये जहर से उन्हें धरती पर कब्जा करने से रोक लेना। उसके बाद वो स्ट्रगल करते हुए डैन को पहुंचा देती है। उसी बीच लेडी एलियन को होश आता है और वो मेल एलियन के साथ अटैक करती है बेस पे, और रोमियो कमांडर और डैन को वो लेडी एलियन ढूंढ रही होती है बदला लेने के लिए, और उसे बीच लोग होल्ड करके रखे होते अपने पोजीशन को। वैसे ही जब वो बच कर जा रहे होते, कुछ मिनट का फासला रहता है जंपलिंग स्टार्ट होने में, वो बच बचाते जा रहे होते हैं तभी लेडी एलियन पीछे से रोमियो कमांडर को मारती है। डैन अपनी बेटी यानी रोमियो कमांडर को बचाने के लिए आता और कहता मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसके बाद अपने साथ उसे ले जाता है। वैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जंपलिंग का, और वैसे ही चारों तरफ से मेल एलियन हावी हो जाते हैं और एक एक करके लोग को मारते हुए बस वो दोनों ही लगभग बचते हैं। और जैसे ही जंपलिंग स्टार्ट होने वाला रहता है वैसे ही वो जो लेडी एलियन रहती है वो रोमियो कमांडर को पानी में खींचती है, और जब तक कि डैन जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ में होल्ड किए हुए रहता है वैसे ही जंपलिंग स्टार्ट होता है और पास्ट में वापस आ जाता है। और उसके बाद वो कुछ फीट ऊपर से गिरते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है डैन को होश आता है कुछ देरी बाद। उसके बाद वो पूछता है कि वो बोतल कहाँ है जो मेरे हाथ में, तो वहाँ की जो कमांडर रहती है जो भविष्य से आई हुई रहती है वो कहती है डैन को कि आपने तो छोड़ा ही नहीं, आपने तो बहुत कस के अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। उसके बाद डैन कहता है ये जो पॉइजन है हमें बड़ी मात्रा में बनाना होगा जो भविष्य में जब एलियन आएंगे तो उन पे अटैक करने में हेल्प मिलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है डैन अपने घर को वापस जा रहा होता है जहाँ उसकी वाइफ लेने आई हुई रहती है। डैन जाता है अपने घर पे तो देखता है उसकी बेटी उसका वेलकम कर रही होती है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगा और अपनी वाइफ को सब बताता है कि मैं भविष्य में उसकी बेटी से मिला था और वो साइंटिस्ट बन चुकी है और वो मरने वाली है और मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता। उसके बाद वो करता है कि वो पता लगाएगा। उसके बाद फिर दोनों डिस्कस करते हैं तो डैन बताता है एमी को कि पहला अटैक हुआ था 2048 में रशिया में समर के समय। उसके बाद डैन जाता है अपने टीममेट से और बात करता है कि मुझे मेरे बेटी को बचाना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब जो उसका टीममेट रहता है वो कहता है मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को बचाने में मदद नहीं कर सकता। उसके बाद वो अपने गले में पहने हुआ एलियन का नाखून डैन को है और कहता लो इससे तुम्हारी कुछ हेल्प होगी। उसके बाद वो भी डैन के साथ मिल जाता है और चार्ली के
के पास दोनों जाते हैं। उसके बाद चार्ली को एलियन का नाखून देते हैं। उसके बाद चार्ली को एलियन का नाखून देखते हुए दिखाया जाता है, जहां उसे पता चलता है उस एलियन के नाखून में कुछ राख जैसा कुछ लगा हुआ होता है, वोल्केनो ऐश जैसा। तब डैन को याद आता है कि उसके स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है जो वोल्केनो पे खाली रिसर्च करते रहता है। वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तो उसे डिटेल मिलता है कि ये जगह रशिया में कहाँ पर है। और जब उन्हें पता चल जाता है रशिया में वो जगह कहाँ पर है, तब वो अपने एक बॉस से मिलने जाते हैं। तब वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये चीजें सच है। तब वो कहता है हमारे पास प्रूफ तो नहीं पर हमें यकीन है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे यकीन पे इतना बड़ा खर्चा नहीं उठा सकता। उसके बाद डैन अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड से हेल्प लेता है। तब उसके डैड डैन की मदद करते हैं, क्योंकि उसके डैड ही मात्र एक ऐसे पर्सन रहता है जो रशियन एयर स्पेस में बिना पकड़े हुए जा सकते थे प्लेन से। उसके बाद डैन अपने डैड के साथ निकल पड़ता है और अपने कुछ टीममेट के साथ भी, और सारे प्लेन पे बैठकर निकल पड़ते हैं रशिया के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उन्हें स्नो में राइड करते हुए दिखाया जाता है उस पॉइजन के साथ जो डैन ने अपने साथ फ्यूचर से लेकर आया था। उसके बाद वो राइड करते हुए और एक एक दरार को देखते हुए जाते हैं। तब उन्हें एक दरार ऐसी दिखती है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रहते हैं, जहाँ कॉम्पास काम नहीं करता है। उसके बाद वो समझ जाते हैं और वो वहाँ ब्लास्ट कर एक गुफा के सहारे पहुँचते हैं, तो उन्हें एक स्पेसशिप भी दिखता है। उसके बाद वो उस स्पेसशिप के अंदर उस स्पेसशिप को काट कर जाते हैं और डैन बाहर अपने डैड और चार्ली को छोड़ देता है, ये कहकर कि अगर हम अंदर संभाल नहीं पाए तो आप दोनों सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, आप संभाल लेना, किसी को बाहर जाने मत देना। उसके बाद डैन अपनी बाकी मेंबर्स के साथ अंदर जाता है और अंदर जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये शिप यहाँ लैंड नहीं हुआ, यहाँ गलती से धरती पे क्रैश हुआ है बहुत सालों पहले। उसके बाद उन्हें वो चेंबर मिलता है एलियन वाला। वो जैसे ही पॉइजन सारे इंजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तब उनमें से सब मरने लगते हैं, पर दूसरे हाइट के एलियन तुरंत ही जागने लगते हैं और उनमें से एक को उनसे पीछा छुड़ाकर भाग भी लेता है। ये वही एलियन लेडी रहती है जो फ्यूचर में तबाही मचा हुआ होता है। उसके बाद डैन उसके पीछे जाता है और बाकी टीममेट्स बाकी एलियन को पकड़ रहे होते हैं अंदर शिप में। डैन जब बाहर आता है तो देखता है कि उसके डैड और चार्ली गायब रहते हैं। डैन एक पॉइजन उठाकर रख लेता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद कैप्शन शिफ्ट होता है और जहाज के अंदर सीन दिखाया जहाँ उसके साथी भी एलियन से लड़ रहे होते हैं, और लड़ते लड़ते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे हजारों लाखों के तादाद में एलियन एक सेल रहता है, जहां वो बन रहे होते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम इन्हें बाहर नहीं जाने देंगे और वो खुद के साथ ही बॉम्ब ब्लास्ट कर उस स्पेसशिप को उड़ा देते हैं। जब तक वहां से डैन के डैड चार्ली और डैन वहां से निकल चुके होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्पेसशिप उड़ने के बाद डैन को जब होश आता है तो वो अपने डैड को खोजता है और देखता है कि वो डैड और चार्ली कहीं आगे पड़े हुए हैं, जहां चार्ली कहता है मैंने उसे एलियन को काट दिया, और उसके डैड भी कहता है हाँ इसने काटा है और एक भाग गया है। उसके बाद जब डैन अपने डैड को कहता है कि आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर उसका पीछा करता हूँ, तब डैन के डैड डैन को कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद वो दोनों जाते हैं और फीमेल एलियन का पीछा करते हैं उसके फुटप्रिंट के सहारे। उसके बाद वो एक जगह पहुंचते हैं जहां देखते हैं कि वो जा रही होती है। तब डैन और उसके डैड उसे फीमेल एलियन को एक गोली मारते हैं जिससे कि वो उनकी तरफ भागी भागी आती है। पर जब वो फीमेल एलियन को लगता है कि वो एक आदमी बैठा हो, जब तक उसे जाकर मारती है तो वो एक बर्फ का पुतला रहता है जो डैन के डैड ने जैकेट पहना कर एक ट्रैप तैयार किए हुए रहते हैं लेडी एलियन के लिए। जब वैसे ही वो उस ट्रैप में आती है तो वैसे ही उसे गोली मार रहे होते हैं, और दोनों तरफ से डैन और डैन के डैड दोनों तरफ से गोली चला रहे होते हैं लेडी एलियन पे, पर उससे गोली लग रही होती है पर उस पे ज्यादा असर कुछ हो नहीं रहा होता है। उसके बाद जैसे ही एक किनारे पे आता है और वो गायब हो जाती है, तो वो देखते हैं कि लेडी एलियन गायब होगी। उसके बाद वो एक साथ हो जाते हैं लेडी एलियन को खोजने के लिए, पहाड़ के एक चोटी पे रहते हैं। उसके बाद खोज रहे होते हैं और अचानक से ही वो लेडी एलियन आ जाती है और उन दोनों पे अटैक करती है और दोनों को गिरा देती है। उसके बाद तभी जैसे ही वो उसके डैड अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस करने जा रहे होते हैं, वैसे ही डैन क्या करता है कि वो उठता है और वो जो पॉइजन रहता है उस लेडी एलियन के मुंह में दे मारता है, जिससे कि
वो मरने लगती है और बर्फीले पहाड़ से भी गिर जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डैन को आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जब वो अपने घर के बाहर पहुंचता है तो वैसे ही उसकी बीवी और बच्ची जो कि उससे मिलने आते हैं, तो वो मेडी को कहता है कि जाओ अपने ग्रैंडपा से भी मिलो। वो जाकर अपने ग्रैंडपा से भी मिलती है और उसके बाद मूवी